देश भर में टीका लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है। 24 घंटे में केवल 136 नए मरीजों की पहचान की गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तेज बारिश के कारण कई मकान और गाड़ियां बह गए। किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हुए शामिल। पांच साल बाद जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम हर सोमवार को आयोजित किया जाएगा। ग्यारहवीं 12वीं और इससे ऊपर के सभी स्कूल कॉलेज निजी और तकनीकी संस्थान 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ आज से खुल गए हैं। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना के तहत आसान शर्तों पर उद्यमियों को सरकार ऋण उपलब्ध करा रही है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पार्सल बम विस्फोट मामले में एनआईए की टीम गिरफ्तार आतंकी नासिर खान और इमरान मलिक को दिल्ली ले गई है। पटना पुलिस ने वर्ष 2018 में एक महिला सिपाही की मौत के बाद हंगामा करने वाले 139 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। वैशाली जिले के राजा पाकड़ से असम पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक व्यक्ति को 84,50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। खगड़िया जिले के सरकारी विद्यालयों के बच्चे कोरोना को लेकर कुपोषण का शिकार ना हो, इसको लेकर छात्रों के बीच मध्याह्न भोजन के बदले चावल का वितरण किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2023 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा के लिए पंजीयन की तारीखों की घोषणा कर दी है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान सहित अधवारा समूह की कई नदियां अधिकतर स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। और समस्तीपुर रेल मंडल के सुगौली और मझौलिया स्टेशन के ट्रैक पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ने के कारण आज 6 ट्रेनों का परिचालन बंद, 12 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है।